हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप लोग देख रहे हैं अनायशा मतलब, और मैं हूँ आपकी आयुषी। सो ये लोग मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है कि ये कैसे मेकअप करें मेन। सो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि बेस को कैसे मतलब लगा सकते हैं अपने फेस पर और काला होने से बचा सकते हैं हम लोग मेकअप। सो मैं इसके आगे की स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे करें कॉन्टोर, ब्लश, हाईलाइट एंड आई शेडो वगैरह। सब कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। तो चलिए हम वीडियो को देख लेते हैं। आप मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं। तो इस टाइप से पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे। कभी भी इस पॉइंट से ना लेकर हमेशा इस पॉइंट से लेते हैं आईब्रोज को। तो हम लोग कर रहे हैं इसको अच्छे तरीके से फिल। मैंने काफ़ी टाइम से अपनी आईब्रोज को नहीं कराया है ग्रूम, सो मैं इसको अच्छे तरीके से शेप दे रही हूँ। सो देख सकते हैं पीछे का मिल चुका है शेप। सो अब आते हैं आगे की ओर। लाइट हैंड से अपने आईब्रोज को इस टाइप से करें। सो देख सकते हैं अब करेंगे इसको ब्लेंड। जब तक के लिए इसको करते हैं। जिस टाइप की आईब्रो आईब्रो चाहिए टाइप की आईब्रो आप शेप दे सकते हैं अपने आईब्रो को। सो देखिए मैंने कर लिया है अपने आईब्रो को सेट। अब मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी इसी के ब्रश से। सो देख सकते हैं इस ब्रश की हेल्प से आईब्रो को सेट करना बहुत ही इजी होता है। सो मैंने आईब्रो को कर लिया है अपनी सेट। आईब्रो को सेट करने के बाद हमारे फीचर्स बहुत ही इनहेंस हो जाते हैं। सो देख सकते हैं आप लोग मैंने अपने आईब्रोज को सेट कर लिया है। सो मेरी आईब्रो बन चुकी है। मैं इसके बाद क्या करने वाली हूँ, लगाने वाली हूँ ब्लश, उसके बाद कॉन्टोर एंड उसके बाद हाइलाइटर। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि पहले आईज को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम लोग पहले आईज को कंप्लीट करते हैं। सो हम लोग लगा रहे हैं ये रेवोल्यूशन का हाइलाइटर ब्रिक है। ये हाइलाइटर ब्रिक मेरी एक्चुअली में टूट चुकी है। तो मैं इसके कवर को अलग कर लेती हूँ। मैं इसमें से ये वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलेट पर अपनी हैंड की हेल्प से ही। सो देख सकते हैं मैं इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूंगी। सो मैंने इसको अपनी आईलेट पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। सो मैं इसको दूसरी तरफ भी अप्लाई कर लूंगी। तो देख सकते हैं कितनी इजीली ब्लेंड हो रही हैं चीजें। अगर हमारी स्किन अच्छी तरीके से प्रेप होती है तो बहुत ही इजीली ब्लेंड भी होती हैं चीजें। सो मैंने इसको कर लिया अच्छी तरीके से ब्लेंड ने हैंड की हेल्प से ही सिर्फ। सो देख सकते हैं। सो मैं इसके बाद लगाने वाली हूँ अपने फेस पर आईलाइनर। सो मैं लाइनर लगाने वाली हूँ एन बाई बे का लाइनर। ये ओनली 60 रुपीज का रहता है। सो ये बहुत ही अफोर्डेबल है। एंड अपने आईलाइनर को लगाने से पहले आप बहुत अच्छे से इसको शेक कर लीजिए, क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है प्रोडक्ट नीचे रहता है और उसका वाटरी लेवल ऊपर हो जाता है। सो मैं इसको अच्छे तरीके से शेक कर लिया है। इस टाइप का ब्रश आता है इसमें। सो मैं अपने आईज पर इसको अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं आईलाइनर विंग लाइनर क्रिएट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पतला सा लाइनर क्रिएट कर रही हूँ।
मैंने विंग नहीं क्रिएट किया है, सिर्फ मैंने लगाया हुआ है पतला सा लाइनर। इसी टेक्निक की हेल्प से मैं इस पर भी अप्लाई कर लूंगी। हाँ, तो मैं अपने लाइनर को देती हूँ सूखने, तब तक के लिए मैं करती हूँ ब्लश। मैं एकदम से लाइनर पर काजल अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा काजल लाइनर फिर ऊपर लग जाएगा। सो मैं इसको करूंगी स्किप कि अभी लाइनर ना लग, काजल ना लगाऊं। सो मैं उसके लिए लगा रही हूँ ब्लश के लिए ये स्विस ब्यूटी के पैलेट। ये स्विस ब्यूटी के अल्टीमेट पैलेट है। इसमें से मैं लगा रही हूँ एक ब्लशी से ब्लशी इसमें से ब्लशी शेड लगा रही हूँ मैं, ये वाला शेड अप्लाई करूंगी मैं अपने फेस की हेल्प से। सो मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों को ब्लश कैसे हाँ अप्लाई करना है, स्माइल करिए। एंड ब्लेंड करिए। स्माइल करिए एंड ब्लेंड करिए। सो हमारा ब्लश लग के हो गया है तैयार। अब हम लोग करेंगे कॉन्टूर। अब हम लोग करेंगे कॉन्टूर। सो कॉन्टूरिंग के लिए हम लोग करेंगे एक एक इस टाइप के ब्रश से, एक इस टाइप के ब्रश से कॉन्टूरिंग करनी चाहिए। सो मैं इसी पैलेट में से ये कलर अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं इसको कर रही हूँ डस्ट ऑफ। सो हम लोग अप्लाई करने के लिए क्या करें, ये जो इसका ये वाला पार्ट होता है इसको हम पीछे से स्टार्ट करते हुए आगे की ओर आएंगे। सो मैंने एक लाइन कर दी है ड्रॉ। अब मैं इस तरफ भी ऐसे करूंगी। सो मैंने इधर भी अपनी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। इसको ब्लेंड करते करते ऊपर की ओर जाएंगे। जब तक कि ब्लेंड करेंगे जब तक कि कोई हमारी हार्श लाइन ना दिखे जो कि हमने लाइन बनाई हुई है। कुछ सर्कल मोशन में ब्लेंडिंग करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए मैं बोल ही रही थी कि लाइनर ऊपर लग जाता है। सो मेरा लग गया है। सो एक ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे, इसको सूखने देंगे, उसके बाद ही इसको डस्ट करेंगे अलग। सो मेरा कॉन्टूर लग गया है। हम कर लेंगे इसको भी कट, जो हमारा प्रोडक्ट लगा है उसके अलावा हम लोग और प्रोडक्ट नहीं लेंगे। सो देख सकते हैं आप लोग हमारे चीक बोन्स हो गए लिफ्टेड, थोड़ा सा नोज पर भी अप्लाई कर लेंगे ब्लश को। फिर इसी पैलेट में से यूज करेंगे। सो मैं हाइलाइटर के लिए एक ब्रश यूज कर रही हूँ जो कि है ये। तो मैं ले रही हूँ ये वाला कलर। सो मैं हाईलाइट कर लूंगी अपने फेस को। ब्लश हमें हाइलाइटर हमेशा इस टाइप में लगाएं, कभी भी इस टाइप में ना लगाते हुए हमेशा इस टाइप में ऊपर की ओर लगाएं। एंड देख सकते हैं हमारा लाइटर हाइलाइटर लग के तैयार हो चुका है। कितनी प्यारी सी शीन आ रही है हमारे फेस पर। हम नोज पर भी अप्लाई कर लेंगे इसको एंड अपर लिप्स देन चिन। नेक्स्ट आईब्रोज। एंड फॉर इट
देख सकते हैं आप लोग, हाइलाइटर लग के हो गया है तैयार। सो नेक्स्ट स्टेप है, ये बहुत ही प्यारा शेड है रेड कलर में, ये नंबर 01 नंबर है। तो मैं इसको अपनी लिप्स पर अप्लाई कर लूंगी। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने लिपस्टिक को कर लिया है अप्लाई। सो मैंने लिपस्टिक को कर लिया है, शेप दे दिया है मैंने अपने लिप्स को। सो नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। काजल कर रही हूँ, सिर्फ मैं वॉटर लाइन पर ही अप्लाई कर रही हूँ। सो देख सकते हैं मैंने वॉटर लाइन पर ही अप्लाई किया है अपने। सो मैंने वॉटर लाइन पर कर लिया है काजल अप्लाई। ये बहुत ही अच्छा काजल है, इस काजल का नाम है एप्पल ऑफ माय आई। सो मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा, मैं आईलैशेस अप्लाई नहीं करूंगी, बिगनर्स फ्रेंडली मेकअप है तो मैं आईलैशेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ इसमें। मैं अपनी आईलैशेस को कर लूंगी कर्ल। सो मेरी आईलैशेस देख सकते हैं आप लोग, कर्ली हो गई है। सो मैंने अपने अपने आईलैश को कर्ल करने के लिए मस्कारा अप्लाई कर ली हुई है, मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा है। सो मैं इसी को अप्लाई करूंगी अपने आईलैश को कर्ल करने के लिए। सो ये ऐसे एप्लीकेटर में आता है, देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा है इसका एप्लीकेटर। अपने लोअर लैश लाइन लोअर लैशेस पे लगाना ना भूले मस्कारा को। सो मेरा लुक हो गया है तैयार। अब हम देखते हैं फुल लुक के साथ